मैं आपके लिए लेके आई हूँ रसमलाई की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस रक्षाबंधन पे आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे भी बाज़ार में आजकल जो मिठाई लाएंगे तो बहुत सारी मिलावटें रहती है, तो आप घर में अगर आप अपने भाई को अपने हाथ से बना करके मिठाई खिलाएंगे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप इस रक्षाबंधन पर ज़रूर ट्राई करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना और रंजना किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम 1 लीटर दूध ले लेंगे। दूध को मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ था, इसके ऊपर जो भी मलाई थी ना सब मैंने डाल दिया। इससे आपकी जो रसमलाई है ना बहुत ही अच्छी टेस्टी बनेंगी, तो इसीलिए मलाई वाली फुल क्रीम दूध जो आते हैं ना वो उसका आप इस्तेमाल करिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हमें गाढ़ा करना है, मतलब अगर 2 ग्लास दूध है तो इसे हमें 1 ग्लास बनाना होगा। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर बॉयल करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये दूध आधा हो गया है और इस तरह से हम इसे और थोड़ा देर पका लेते हैं। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे। और इसमें एक कुल्फ़ी आता है ना बाज़ार में, कुल्फ़ी मिक्स जो आता है, अगर वो आप डाल देंगे तो इससे रसमलाई का टेस्ट जो है सो 2 गुना हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप तो आप एक बार इसे इस तरह से बना करके देखिए। इसमें केसर कुल्फ़ी मिक्स आता है बाज़ार में, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इससे आपका जो अलग से आपको केसर या पिस्ता डालना भी नहीं पड़ेगा, और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है, बहुत प्यारा कलर आता है। तो एक बार आप ज़रूर ये डाल के बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम इसे और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। किनारे में जो भी लगे हैं ना उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर बॉयल करेंगे। इस रक्षाबंधन पे आप इसे बना करके, इस रसमलाई को बना करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगी। तो दूध में बॉयल आ गया है फिर से, तो इसे कुछ देर और हम बॉयल कर लेंगे। बहुत इजी तरीका से ये बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये हो गया है तो इसे हम ढक देते हैं, ठंडा होने देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, ब्रेड ले लेंगे, व्हाइट वाला ब्रेड आता है ना, ब्राउन वाला ब्रेड बिल्कुल ही मत लीजिएगा, क्योंकि ब्राउन ब्रेड से क्या होगा ना, इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हम व्हाइट वाला ब्रेड लेंगे और इसे कट कर लेंगे। और ब्रेड जो है ना एकदम ताज़ी ब्रेड जो होता है ना वो लेंगे, जो इससे क्या होगा ये टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा नहीं। तो इस तरह से आप, एक कटर आता है, इस कटर के सहायता से आप इस तरह से काट लीजिए। अगर कटर आपके पास नहीं है तो किसी भी ग्लास या छोटी कटोरी से आप इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड का निकाल लेंगे। आप सोचेंगे कि ब्रेड से रसमलाई, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है, तो एक बार आप ज़रूर बना करके देखिएगा। तो इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए। अगर आपके पास इस तरह के बर्तन है तो इसमें डालिए, नहीं तो आप किसी में भी डालिए। इस तरह से हम इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने सारे लगा दिए। अब ये ठंडा हो गया है, और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप रसमलाई बनाएं तो ये दूध को एकदम से गर्म नहीं डालेगा। गर्म डालेंगे ना तो ब्रेड जो है सो सारे ब्रेड जो है सो टूट जाएंगे। तो इसीलिए एकदम से ठंडा
जब हो जाए तो इसके ऊपर आप डाल दीजिए। और इस तरह से मैंने सारे डाल दिए और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ऊपर से क्या करेंगे, थोड़ा सा बादाम कट करके ऊपर से हम डाल देंगे। पिस्ता तो ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, तो ऊपर से आप ऐसे सजाने के लिए बादाम डाल दीजिए। इस तरह से हम सारे लगा देंगे और इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। और ये 1 घंटे हो गए हैं, तो ये एकदम ठंडी ठंडी रसमलाई बनके, ब्रेड रसमलाई, ठंडी ठंडी ब्रेड रसमलाई बनके तैयार है। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। बाय बाय।